हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली बॉल्स, जो 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। ना हमें दाल भिगोने की जरूरत ना चावल। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं। इडली बॉल्स बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है, चलिए हम देख लेते हैं। ये हरी मिर्च 2, अदरक लहसुन, कद्दूकस किया हुआ प्याज, हरी धनिया, चना दाल 2 चम्मच धुली हुई, उड़द दाल 2 चम्मच धुली हुई, सरसों जीरा, ये चावल का आटा और ये पिज्जा सॉस। तो चलिए हम बनाते हैं। हम सबसे पहले पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हम आटा लेंगे उस कटोरी से हम 2.5 कटोरी पानी डालेंगे। 1 कटोरी हो गई है, ये 2 कटोरी और आधी कटोरी और लेंगे हम, ये हमारी 2.5 कटोरी। अब इस पानी में उबाल आने देंगे हम। इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। ये स्वाद अनुसार नमक पानी में, थोड़ा सा दरदरी तीखी मिर्च इसमें उबाल आने देंगे हम। पानी में एक उबाल आ चुका है, ये हम चावल का आटा डालेंगे। इसमें गैस स्लो कर देंगे। इस पानी में इसको अच्छे से पका लेंगे चलाते हुए। इडली बॉल्स बनाने के लिए हमें ना चावल भिगोने की जरूरत पड़ती है ना उड़द दाल। ये पीसा हुआ चावल से हमारी इडली बॉल्स बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारा पेस्ट बन चुका है, मिल चुका है अच्छे से पानी में। 2 मिनट तक और इसको चलाते हुए पकाएंगे। उसके बाद हम इसको ढककर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा चावल का आटा हमारा पानी अच्छे से सूख लिया है। अब इसको ढककर हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारा चावल का आटा ठंडा हो चुका है। हमने हाथों में तेल लगाकर इसको मसल मसल कर चिकना कर लिया है। इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। हाथों में हम तेल लगाएंगे और जितनी बड़ी साइज आपको बॉल्स चाहिए आप अपने हिसाब से बॉल्स बना सकते हैं। हम इस साइज की बॉल बना रहे हैं। बॉल्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे हम सारे बॉल्स बना लेंगे। ये हमने बॉल्स बना लिए हैं, चलिए हम बनाते हैं। फिर तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम बॉल्स में तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सरसों जीरा। सरसों जीरा को हम चटक जाने देंगे अच्छे से, नहीं इसलिए हमारे जीरा सरसों चटकेगा नहीं तो कच्चा कच्चा सा आएगा। अच्छे से हम चटक जाने देंगे। जीरा और सरसों चटक गए हैं, अब डालेंगे इसमें अदरक लहसुन, प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम 10 से 12 कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसमें जाएगा उड़द दाल धुली हुई 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच चना दाल धुली हुई है। सारी चीजें को भून लेंगे अच्छे से। अब डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे तीखी मिर्च, थोड़ी सी दरदरी मिर्च। अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे इसी में। अब हम डालेंगे ना ये बॉल्स जो हमने बना कर रखा था, इसको डाल देंगे, इसको मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम धीमी आंच पर ढककर पका लेंगे इसको, ताकि तड़का बॉल्स में अंदर तक पहुंच जाए। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारी बॉल्स जल तो नहीं रही नीचे से।
दो से तीन मिनट हो चुका है, बीच बीच में चला चला के चेक कर रहे थे कि हमारी इडली चिपक तो नहीं रही कढ़ाई में। ये देखिए बीच बीच में चेक करते थे, इसमें धनिया पत्ती डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम पिज्जा सॉस, थोड़ा सा डालेंगे स्वाद के लिए। इसको डालने से इसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम गैस बंद कर देंगे, पिज्जा सॉस मिला देंगे इसमें। हमारी इडली बॉल्स खाने के लिए बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाउल में। इडली बॉल्स बनकर तैयार है, जो खाने बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।